हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलने वाले हैं साउथ इंडिया के कश्मीर कही जाने वाली जगह यानी कि मुन्नार, जो एक टाउन है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला का। ये एक 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ हिली एरिया है। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली दिखाएंगे कि कैसे इलायची पैदा की जाती है, कैसे लौंग का पेड़ दिखाई देता है, कॉफ़ी का पेड़ कैसा होता है और चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। जब आप केरल जाओगे वहाँ पे रोड के साइड में काफ़ी सारी दुकानें होंगी मसाले एंड चॉकलेट्स की। ये लोग अपनी दुकान के पीछे ही एक गार्डन उगा के रखते हैं। वहाँ आपको एक एक पेड़ के बारे में बताया जाएगा। आपके साथ में एक बंदा या बंदी होगी जो काफ़ी अच्छी हिंदी बोलती होगी। पहला पेड़ जो आपको दिखाई दे रहा है यह है जायफल। इस पेड़ का फल का जो कोर पार्ट होता है वो होता है जायफल। इसके बाहर एक छिलका होता है जिसके बाहर एक परत होती है जिसे प्राप्त किया जाता है जावित्री, जिसका बिरयानी में यूज किया जाता है। ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉफी का पेड़। इसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, ये धीरे धीरे और बड़े हो जाएंगे। कॉफी दो तरह की होती है, एक अरेबिका दूसरी होती है रोबस्ता। अरेबिका में फैट शुगर ज़्यादा होती है परंतु इसमें कॉफी की जो मात्रा है वो कम होती है। फैट शुगर की वजह से इसकी जो शाइनिंग है वो ज़्यादा मिलेगी। जबकि रोबस्ता की बात करें तो इसमें जो कैफीन की जो मात्रा है वो लगभग अरेबिका से लगभग डबल होती है। जब ये पकते हैं तो ये रेड कलर के हो जाते हैं। इसके बाद इनको तोड़ लिया जाता है, फिर सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद इनके छिलके जो ब्लैक कलर के होते हैं इन छिलकों को हटा दिया जाता है। अंदर के बीज को पीस कर कॉफ़ी पाउडर बना दिया जाता है। जब कोई इसमें हल्का सा मिल्क थोड़ा शुगर मिलाकर अगर मुझे सर्व कर दे तो मज़ा आ जाए। खाली पुलाव से बाहर निकलते हैं दोस्तों, कोई कॉफ़ी नहीं मिलने वाली यहाँ पे। नेक्स्ट पेड़ की तरफ चलते हैं, यह है ब्लिम्बी। इसका फल का जो टेस्ट है वो काफ़ी खट्टा होता है। ये फल बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छी फैट को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। अच्छी फैट कौन सी होती है? एसटीएल। ये एक और पेड़ है कॉफ़ी का। इसमें कॉफ़ी का जो फल है वो थोड़ा सा बड़ी साइज का है। ये है सीडा प्लांट। इसकी पत्तियों से, इनकी डालियों से कुछ और हर्ब के साथ मिलाकर ऑयल तैयार किया जाता है जिसका उपयोग हम घुटने के दर्द में करते हैं। स्पेशली जब उम्र 50 से ऊपर हो जाती है इस ऑयल को लगाने से कहते हैं कि जॉइंट के अंदर का जो फ्लूड यानी साइनोवियल फ्लूड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये जो पेड़ है ये है काली मिर्च का। आपको पता है काली मिर्च तीन तरह की होती है, एक काली मिर्च यानी ब्लैक पीपर, दूसरी ग्रीन पीपर हरी मिर्च और तीसरी होती है दोस्तों सफ़ेद यानी वाइट पीपर। तो सबसे पहले बात करते हैं
ग्रीन पेपर को। तो ग्रीन पेपर यानी कि हरी मिर्च, अरे उसकी बात कर रहे हैं, उस हरी मिर्च की बात कर रहे हैं। हरी मिर्च बनाने के लिए फल को पकने से पहले ही उसको तोड़ लिया जाता है, तोड़ के उसको सुखा लिया जाता है और उससे बन जाती है हरी मिर्च। इसका यूज सिर्फ अचार बनाने में किया जाता है। ब्लैक पेपर, इसमें बिना पके फल को पहले पानी में उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सबसे ज़्यादा काम आने वाले फल यानी ब्लैक पेपर ही हम यूज करते हैं। इसी तरह से व्हाइट पेपर की बात करें तो इसमें पके हुए फल को 3 दिन के लिए भिगोया जाता है, उसके बाद बाहर निकाल के उसका छिलका हटा लिया जाता है, जिससे इसका कलर व्हाइट हो जाता है। सफ़ेद मिर्च का यूज हम सॉस बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये जो फल दिखाई दे रहा है ये है कोकाओ का पेड़ है, यानी वो पेड़ जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। ये जो फल है स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है, फिर राइपिंग में ये येलो कलर का हो जाता है। इसके फल को सुखा के बीजों को निकाल लिया जाता है, उनको पीस के चॉकलेट का पाउडर बनाया जाता है। कहते हैं कि चॉकलेट खाने से हड्डियां मजबूत होती है। ये प्लांट, इसका नाम है इंसुलिन प्लांट। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस पेड़ को काम में लिया जाता है। दूसरे देशों में इसका जो नाम है वो है फेरी कॉस्टस, और भी अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे हर मसाले में काम आने वाली इलायची के बारे में। क्या आपको पता है ये पेड़ की जड़ों से पैदा होती है, और इसका जो पेड़ है वो बांस का जो पेड़ होता है उसका भाई बहन होता है। Thank you.
ये जो पेड़ है ये है लौंग का पेड़। इस पे जब फूल आना शुरू होते हैं तभी फूल को खुलने से पहले ही फूल को तोड़ लिया जाता है, फिर उसको सुखा लिया जाता है। इस पेड़ की पत्तियों को भी अगर आप मसल के सूंघोगे तो आपको लौंग की खुशबू आएगी। ये जो पेड़ है ये सिर्फ मेल के लिए बना होता है, फीमेल इससे दूर रहे, इसको बोलते हैं अश्वगंधा। ये जो पेड़ है इसका यूज किडनी की स्टोन निकालने के लिए काम में लिया जाता है। ये खजूर का सा जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ये है सुपारी का पेड़, लेकिन सुपारी के फायदे नहीं गिनाए, शायद नुकसान ज्यादा करता है। इसीलिए ये पेड़ है बायोटेक्स नुगेंडी, इसको बैरिकोज बैन यानी पैर में फूलने वाली नसों के लिए यूज करते हैं। इसे एक ऑयल बनाया जाता है जिसको पैर से नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो ये देखो कपूर तुलसी, मतलब तुलसी और कपूर दोनों का कॉम्बिनेशन। जब आप इसके पत्ते को क्रश करके अगर खुशबू लोगे तो इसमें कपूर और तुलसी दोनों की खुशबू आएगी। इसका जो उपयोग है किसी को लंबे समय से हो रहे सिरदर्द के लिए किया जाता है। इस कपूर तुलसी और छुई मुई की जड़ों से एक तेल बनाया जाता है, उसको 45 दिन तक रोज उपयोग करना है। जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये है नीलाम्बरी यानी कि इंडिगो टिक्टोरिया, इसका यूज़ समय से पहले सफ़ेद होने वाले बालों के लिए किया जाता है। ये सबसे छोटा सा पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है ब्राह्मी। इसका यूज़ मेमोरी बढ़ाने में, समय के साथ कमज़ोर होने वाली मेमोरी यानी कि अल्जाइमर के उपयोग के लिए
गिरता है। इस पौधे का नाम है बैकोपे मोनियरी। जब इस पे रिसर्च की गई तो इसमें मेमोरी बढ़ाने का कोई एविडेंस ही नहीं मिला। अगर इसको आप किसी को बोलते हैं कि इससे मेमोरी बढ़ेगी, ये खा ले बेटा, तो विदेशों में ये इलीगल है। आप किसी को इसको खिलाने के लिए ये बोल के मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप रोज ब्रह्मी खाओगे, शायद आपकी मेमोरी बढ़ जाए। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो हो सकता है आपकी जेल हो जाए। ये पौधा तो सभी जानते हैं, ये पाइनएप्पल का पौधा है। जैसे अश्वगंधा सिर्फ मेल के लिए थी, इसी तरह से सदाबरी सिर्फ औरतों के लिए है। इसकी जड़ों से मेडिसिन बनाई जाती है जो मेंसेस में हेल्प करती है। कस्तूरी हल्दी यानी कि बाइल टर्मरिक। इसकी जड़ों से क्रीम बनाई जाती है जो लड़कियों के लिए स्पेशली यूज होती है। इसकी बनी हुई क्रीम फेस के ऊपर जो ग्रो होने वाले हेयर को भी रिमूव करती है, इसीलिए इसे लड़के यूज नहीं करते। अगर लड़कों ने यूज कर लिया, पता चला उनकी जो बियर्ड है वो ही उड़ गई। आपको इन पेड़ पौधों के बारे में डिटेल पता चल जाएगी, तब आपको लेके जाएंगे इनसे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए।
हमें तो प्रोडक्ट महंगे लगे और फिर इसको लाने में काफ़ी परेशानी होती है, सो हम रॉ प्रोडक्ट ही खरीद के लाए, जैसे कि चॉकलेट पाउडर, गरम मसाला, कॉफ़ी पाउडर एंड पेड़ पौधों से बनने वाले प्रोडक्ट के यूज, जैसे उन लोगों ने मुझे बताए वैसे ही मैंने आपको बता दिए। ऐसा सुनकर आप कहीं इन्हीं पेड़ों को उगाने लग जाओ और खुद का इलाज खुद ही करने मत लग जाना, क्योंकि इसके साइंटिफिक प्रूफ पे हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक मार दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।